मान लेते हैं, वैसे तो पाकिस्तानी मानते नहीं है लेकिन हम मान लेते हैं, पीएम मोदी की गवर्नमेंट ने कुछ काम किए हैं जिसकी वजह से अब ये कहा जाने लगा है कि नेक्स्ट सुपर पावर जो है वो भारत बने। भारत इस दुनिया की पावर बनेगा, मगर मजे की बात है भारत का पावर विल नॉट बी द पावर ऑफ गन, भारत का पावर विल नॉट बी द पावर ऑफ बम, भारत का पावर विल नॉट बी द पावर ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब और न्यूक्लियर एटम्स एंड न्यूक्लियर वेपन्स। भारत का पावर इसलिए होगा क्योंकि ये पावर जो दुनिया को आज समझ में आ रहा है कि पीस से बड़ा पावर कुछ नहीं होता, देयर इज नथिंग पावरफुल मोर देन पीस, और पीस इज द मोस्ट पावरफुल वेपन दैट यू कैन हैव, बिकॉज आने वाला समय इंसानों की वैल्यू करता है, मानव जीवन जो कि 60-70-80 साल जो भी है वो उसको वैल्यू करता है, वो उसकी लाइफ को बेटर बनाना चाहता है। पहले ऐसा था कि आइडियोलॉजीज के लिए इंसानों ने अपनी जिंदगियों को कुर्बान कर दिया बिना ये सोचे कि इन आइडियोलॉजीज पे मरना सही है या नहीं है, और भारत शुरू से आइडियोलॉजी पे नहीं मानव सेंट्रिक रहा। भारत ने क्या दिया दुनिया को? भारत ने कभी ये कहा कि सब गलत है? ना, भारत ने कहा योग करो तो तुम अपना बेस्ट यूज कर पाओगे, भारत ने कहा आयुर्वेद लो ताकि तुम अपनी व्याधियों को दूर कर सको, भारत ने दुनिया से क्या कहा? भारत ने दुनिया को कहा कि सब सुखी हो, कोई जरूरत नहीं है कि हमसे नीचे बन के रहो, तुम भी सुखी रहो, हम भी सुखी रहे। सबकी सुख की कामना करने का जो वेपन है वो कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर रखता है। भारत के पास जो वेपन है आरजू जी, उस वेपन का नाम है पीस। ओम शांति शांति शांति। पीस के नाम पे लोगों ने दुनिया को मारने काटने का जो है वो तरीका अपनाया। भारत ने कहा कि पीस करने के लिए सिर्फ आपस में प्यार करो, आपस में एक दूसरे का भला करो, सबका पीस होगा, सब एक साथ रह सकते हैं। तो आपने पता नहीं, मैंने कभी आपको शांति मंत्र जो है, मैं बड़ा मुझे पसंद है शांति मंत्र जिसको आप कहती है, आई रियली लव इट। अगर कभी आपने सुना है तो, नहीं सुना है तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको उसका ट्रांसलेशन के समेत पढ़ देता हूं, ठीक है ना? तो इसको इट इज समथिंग विच हैज अ वेरी प्रोफाउंड मीनिंग। ओम द्यो शांति रक्त शांति रंत्र क्षम शांति ही पृथ्वी शांति रापः शांति रोषदयः शांति वनस्पतयः शांतिर विश्व देवः शांति ब्रह्म शांति ही सर्व शांति ही शांति रेव शांति ही सामा शांति रेधि ओम शांति शांति शांति। इसका मतलब आप सोचिए, ये कह रहा है कि शांति का मतलब है कि हर किसी में, जीव में, जंतु में, वन में, पवन में, उपवन में, सूरज में, आसमान में, पृथ्वी में, मानव में, कीड़े में, मकोड़ों में, सब में शांति कीजिए। और शांति का मतलब क्या होता है? शांति का मतलब होता है जब आप स्वयं से, अंदर से आप कंटेंट हैं, आपके अंदर लालच नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, आपके अंदर किसी को देख करके हवस नहीं है। ये जो स्टेट ऑफ, जब आप पीसफुल में होंगी ना, व्हेन यू हैव इंटरनल पीस देयर विल बी एक्सटर्नल पीस, देयर कैन नेवर बी अ पीस विद इन यू व्हेन देयर इज एन एक्सटर्नल पीस। आप दुनिया को मार के शांति की प्राप्ति नहीं कर सकते, ये हमारी फिलॉसफी है। और इसी फिलॉसफी का जब लोग कहते हैं कि भारत विश्व गुरु है, क्योंकि ये देने का काम, आप दुनिया की सारी फिलॉसफी पढ़ लीजिए, मगर जीव की शांति, जंतु की शांति, पृथ्वी की शांति, अंतरिक्ष की शांति, नदी की शांति, जल की शांति, सबकी शांति की बात करने वाला, सारे मानवों की शांति की बात करने वाला एक ही आइडियोलॉजी है, उसका नाम है हिंदुत्व। ये है हिंदुत्व, इसीलिए हमारा समय होगा क्योंकि हम शांति की बात करते हैं। मगर सर उसके साथ बिल्कुल ठीक, लेकिन सर यकीनन गवर्नमेंट जो रही है मोदी जी की, मैं उसी पे आ रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा था, उन्होंने भी तो कुछ किया होगा ना जो दुनिया के ऊपर गए। जी मैं उसी पे आ रहा था, जिन लोगों ने भारत को पिछले 70 साल से शासन किया उन्होंने इस आइडियोलॉजी को लात मार दी थी, उन्होंने आइडिया ऑफ इंडिया को रिजेक्ट कर दिया था, उन्होंने आइडिया ऑफ इंडिया का कुछ अपना ही कंस्ट्रक्शन बनाया। मोदी जी ने इस आइडिया को वापस से एम्ब्रेस किया, हमारे यहां खुल के, चाहे वो न्यूज़पेपर के एडिटर्स हो, चाहे वो कोई बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के लोग हो, उन्होंने कहा हमें हिंदुत्व से नफरत है, और भारत को कभी सोशलिज्म के से चलाने की कोशिश करी, भारत को कभी कम्युनिज्म से चलाने की कोशिश करी, कभी इस्लामिज्म से चलाने की कोशिश करी,
लेकिन भारत जब इन तीनों आइडियोलॉजी से चला तो या तो वो बिखर गया, या तो वो टूट गया, या तो वो भिखारी हो गया, या तो वो गरीब हो गया। 1991 में हमारी सोशलिस्ट इकोनॉमी की मॉडल ने हमें बैंकक्रप्ट बना के दे दिया था, उस देश को जो कि दुनिया के सोने की चिड़िया थी। और हमारा जो वेल्थ है वो सिर्फ मटेरियल वेल्थ नहीं है, वो स्पिरिचुअल वेल्थ भी है। मोदी जी आए, हमारे यहां कहा गया यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य सिजाद मानम तदान में हम, यानी जब जब धर्म की हानि होगी। धर्म का मतलब ये नहीं है रिलीजन कोड ऑफ कंडक्ट गिवन बाय लॉ, ना, धर्म का मतलब है कि जो आप समझिए जो वर्चू सिस्टम है, जो वैल्यू सिस्टम है। धर्म की हानि मतलब जब आप सबकी शांति ना सोच के एक की शांति करें। धर्म रिलीजन नहीं है। जैसे हमारे यहाँ, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट फॉर द हेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हमारे यहाँ एक वर्ड है मासिक धर्म। मासिक धर्म मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल दैट अ वुमन गोज थ्रू। सो धर्म रिलीजन नहीं है, क्योंकि विमेन की आइडेंटिटी का पार्ट है वो। धर्म वो है जो आपका आइडेंटिफाई करता है, आपकी प्रॉपर्टी को बताता है। सो इसलिए मोदी जी ने भारत को भारतीयता से चलाया। और ये क्यों चला सके वो, क्योंकि वो लोग बच गए भारत के स्कूल कॉलेजेस में जाने से। जो लोग भारत के स्कूल, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, बहुत से अच्छे भी लोग हैं, लेकिन वो भारत के उन स्कूलों और कॉलेजों में गए जहां पे भारत की शिक्षा छिपी हुई थी। भारत के 70 साल के एजुकेशन सिस्टम ने भारत को मिटाने का काम किया, भारत की आइडेंटिटी को छुपाने का काम किया, और भारत के अभिमान को दबाने का काम किया। मोदी जी हैं जिनको मैं तो बड़े खुले ढंग से कहूंगा वो एक अवतार हैं। मोदी जी ने आकर के बताया कि भारत हिंदुत्व से चलेगा, तो 10 साल में देख लीजिए क्या से क्या हो गया। भारत की आज, भारत की लीडरशिप को मानने के लिए दुनिया तैयार है, भारत को लीडरशिप का रोल देने के लिए दुनिया तैयार है। क्या अरब, क्या वेस्ट, एवरीवन इज लुकिंग टुवर्ड्स भारत। और मोदी जी चूंकि भारत की फिलॉसफी को समझते हैं, उन्होंने वेस्टर्न फिलॉसफी को नहीं पढ़ा, उन्होंने अपनी फिलॉसफी को पढ़ा, उन्हें अपने फिलॉसफी पर कॉन्फिडेंस है। और मजे की बात है कि वो सिर्फ पढ़े नहीं है, वो समझते हैं। द मैन कैन थिंक, द मैन कैन एनालाइज, द मैन कैन कंसेप्चुअलाइज। मेरे मामा से मेरी बातचीत हो रही थी, आईआईटी के प्रोडक्ट है मामा मेरे, ठीक है ना, आईआईटी दिल्ली के। तो रेलवे में थे उस समय, बहुत बड़ी पोजीशन पे। तो मेरे मामा ने बताया कि जब आप मोदी से बात करो तो आपको लगता नहीं है कि यू आर टॉकिंग टू अ पर्सन जो इंजीनियरिंग के बारे में नहीं जानता है। सो द मैन अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग। आप उनसे इंजीनियरिंग की बात करेंगे, मेडिकल की बात करेंगी, योग की बात करेंगी, पॉलिटिक्स की बात, द मैन नोज एवरीथिंग, ऑक्टोजेनेरियन जिसे कहते हैं। मगर सर वो सिर्फ रिलीजन को लेकर तो नहीं चले ना, मोदी जी ने तो जैसे वो भी था नहीं, आप जैसे कह रहे हैं ना कि हिंदुत्व को लेकर चले, तो इसलिए उनको हिंदुत्व रिलीजन नहीं है, हिंदुत्व फिलोसफी है, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है हिंदुत्व। ये सामने वाले की समस्या है कि वो कह रहा है तुम्हारा रिलीजन है, तुम्हारा रिलीजन है, क्योंकि ये जो अब्राहमिक फेथ है ये मैं और तुम पे आधारित है। जब मेरा, मैं कह रहा हूँ, मैं हम की बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सबकी शांति हो, ये कौन सा धर्म है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थकों में गुस्सा है। अदालत ने बुशरा बीवी से शादी को गैर इस्लामिक बताते हुए इमरान और बुशरा को 7-7 साल जेल और 5-5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। नारीवादी वकीलों ने अदालत के इस फैसले को शर्मनाक बताते हुए इसे नारी गरिमा पर ठेस पहुँचाने वाला करार दिया है। बता दें कि इमरान और बुशरा के निकाह मामले में वरिष्ठ सिविल जज कुरातुल्लाह के आदेश के बाद 49 वर्षीय बुशरा बीवी को इमरान खान के बानीगाला निवास में कैद कर दिया गया है। सिविल जज ने 2018 में हुए निकाह को रद्द करने का फैसला सुनाया। फैसले से आक्रोशित समर्थकों और नारीवादी वकीलों ने कहा कि अदालत का फैसला दंपत्ति के निजी मामलों में घुसपैठ के समान है। वकील और राजनीतिक टिप्पणीकार रीमा उमर के मुताबिक बुशरा के पहले पति मनेका का बुशरा को लेकर एक आपत्तिजनक और शर्मनाक बयान भी सामने आया था। उन्होंने कहा कि अपने फैसले में जज ने सवाल किया कि क्या इस्लाम में नेहराम पुरुष और महिला को अलग थलग किसी भी तरह की मुलाकात की अनुमति है। ऐसी टिप्पणी शर्मनाक है, इससे न्याय और मानवाधिकार का मजाक बनता है। इमरान और बुशरा को दोषी ठहराए जाने के फैसले के बाद की पार्टी पीटीआई ने कहा कि वह अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। खुद इमरान ने कहा कि राजनीतिक एजेंडे
करने से प्रेरित उनके प्रतिद्वंदियों ने उन्हें इस मामले में फंसाया है। महिला वकीलों ने अदालत के फैसले को विवादास्पद बताते हुए इससे न्याय के स्थापित सिद्धांतों का उल्लंघन बताया है। महिला वकीलों का आरोप है कि जैविक रूप से मासिक धर्म जैसी चीजें महिलाओं के निजी मामले होती हैं। कोर्ट के फैसले में इसका जिक्र होने से नारी गरिमा को ठेस पहुंची है। बुशरा के पहले पति खावर मेनेका ने 1 जनवरी 2018 को शादी की थी। शादी के लगभग 6 साल बाद मेनेका ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने बुशरा बीवी से इद्दत पूरी किए बिना इमरान खान से शादी की। उन्होंने इमरान और बुशरा पर शादी से पहले भी अनैतिक रिश्ता रखने का आरोप लगाया था। पाकिस्तान की अदालत में न्यायाधीश ने पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 496 के तहत सजा सुनाई। उन्होंने 1 जनवरी 2018 के निकाह को भी रद्द कर दिया। उन्होंने लिखा, कोई भी बेईमानी से या कपट पूर्व इरादे से यह जानते हुए शादी करे कि यह गैर कानूनी है, उसे दंड मिलना चाहिए। कानूनी रूप से विवाहित नहीं होने पर 7 साल तक की कारावास की सजा सुनाई गई है, साथ में जुर्माना भी लगाया गया। इस मामले का एक पहलू यह भी है कि इमरान खान और बुशरा बीबी अभी तक वैध रिश्ते में हैं। अदालत के फैसले के मुताबिक सुनाया कि 14 फरवरी 2018 को किया गया उनका दूसरा निकाह कानूनी था।